हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं राजभवन से अंतरा की ओर। राजभवन आप लोगों को पता ही है, गढ़ी कैंट में, कैंटोनमेंट में है, और अंतरा है अपना चोड़ी के पीछे। सो उधर की ओर जा रहे हैं और आज देख सकते हैं आप काफ़ी कम भीड़ है। जय मैया। तो ये रोड अंतरा एक जगह है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस है, क्लोज टू नेचर। अब वहाँ पे हम जा रहे हैं। इधर से गाड़ियाँ आज ज़्यादा आ रही हैं, संडे का दिन है तो मसूरी की तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है अपना। अब ये अपना कैंटोनमेंट शुरू हो गया है, ये कैंटोनमेंट की है। मसूरी की भी रोड है, यहाँ से आप मसूरी भी जा सकते हैं। और एक जो पीछे जो रहा था, जो मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था, बीजापुर वाला जो कि मसूरी बाईपास है, वहाँ से भी जा सकते हैं। ये वाला रूट अब कम लोग ले रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है वो ही इस रूट से जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो दूसरा रूट है हाथीपाँव वाला, वही वाला रूट प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छी बात भी है, नेचर के करीब होके आप जा रहे हैं। उधर से भीड़ भड़का कम है, ट्रैफिक कम मिलेगा आपको, और दूसरी चीज़ सीधे हाथीपाँव पे खुलता है वो रास्ता। सो डिस्टेंस भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, ट्रैफिक से भी बच रहे हैं आप, तो वो रास्ता ज़्यादा सही है। अब ये देखिए कैंटोनमेंट ख़त्म होने वाला है और हम पहुँचने वाले हैं जोड़ी की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ये शूटिंग रेंज है इनकी, आर्मी की। अब यहाँ से थोड़ी दूर पे अंतरा का मोड़ आने वाला है। सर्विस सेंटर ये देखिए जोड़ी, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जो देहरादून में होके टेम्परेचर जो उसका है, जो आप यहाँ का क्लाइमेट बोलें, वो मसूरी की तरह रिजेंबल करता है। जैसे मसूरी में ठंड पड़ती है इवनिंग में, गर्मियों के टाइम भी, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लगता है, नॉट ऑलमोस्ट बट क्वाइट। ये देखिए दोस्तों, ये अंतरा का रूट शुरू हो गया अपना। ऐसा जा रहा है पैच, अगर देखा जाए तो देहरादून ऑलमोस्ट ग्रीनरी से ढका हुआ शहर है, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि यहाँ पे विद इन सिटी लिमिट्स ग्रीनरी मिल जाती है। हाँ, इन द टाउन, अगर हम टाउन की बात करें तो वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, बट उसके नियर बाई प्लेसेस में विद इन 2 to 3 kilometers वी कैन फाइंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ ग्रीनरी। यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी है। जिन्होंने देखा नहीं है वो सोच भी नहीं पाते होंगे कि देहरादून में रहते हुए ऐसी ऐसी जगहें भी हैं। सो ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक दिस। अगर नीचे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सिनोला, और हमें जाना है ऊपर।
ये देखिए, लुक एट द प्लेस मसूरी। आपको बिल्कुल, अगर मैं जूम, अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी तो जूम नहीं कर सकता, बट डायरेक्ट व्यू ऑफ मसूरी। देखिए रेजिडेंशियल एरिया देखिए यहाँ का, ये मसूरी टच करती है जगह। बड़ी नायाब जगह है, जिन्हें शांतिप्रिय लोग यहीं रहते हैं, जिन्हें शहर की शोरगुल से दूर और अपना एकांत में जिनको जीवन रखना है और सामाजिक जिम्मेदारियां भी बनानी है, रखनी है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये अंतरा है दोस्तों, ओल्ड एज होम, ये बहुत बढ़िया ओल्ड एज होम है। यहाँ पे आप जिन्हें वृद्ध अवस्था में रहना हो यहाँ रह सकते हैं।